म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपके दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्गराइटर रेनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रेनित। सिंग अलोंग एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कंपाइलेशन वीडियो दिखाया था जिसमें बहुत सारे सिंगर्स ने रफ़ी साहब के गाने गाए थे। किशोर कुमार जी के गानों को भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक कंपाइलेशन वीडियो में जिसमें फ़ीमेल सिंगर्स ने, आज की जो फीमेल सिंगर्स हैं उन्होंने लता जी के गानों को गाया है। तो लेट्स फाइंड आउट कि उन्होंने उन गानों को किस तरह निभाया है। और हम सब जानते हैं कि इसी साल लता जी को हमने खो दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है अगर हम इंडियन म्यूज़िक की बात करें तो। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जितने भी फीमेल सिंगर्स हैं, ऐसा कोई फीमेल सिंगर नहीं होगा जिसने लता जी के कोई भी गाने को ना सुना हो या ना गाया हो। कभी ना कभी हर किसी ने लता जी के गानों को गाया है। इनफैक्ट आप सभी जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं स्पेशली, वो लोग ज़रूर लता जी के गाने गाते हैं, सुनते हैं एंड पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरी जनरेशन के भी लोग लता जी को अपना आइडल मानते हैं। और अगर कोई सही गायकी अगर कहता है कि राइट काइंड ऑफ प्लेबैक सिंगिंग अगर है, तो वो लता जी को कहा जाता है, लता जी की सिंगिंग को कहा जाता है। और उसके पीछे वजह है कि उनकी जो रेंज है, उनका जो गाने का तरीका है, जो क्लासिकली इन्फ्लुएंस्ड भी है और कई बार उन्होंने मॉडर्न अप्रोचेस भी यूज़ करी हैं, एंड यही एक रीज़न है कि उनकी आवाज़, उनकी जो पिचिंग है, जिसके लिए कई चीज़ें बोली जा चुकी है कि बहुत बड़े बड़े उस्ताद भी उनको बहुत गौर से सुनते थे कि वो कब ऑफ पिच हो या बेसुरी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता था। तो उसकी अलग बातें हैं, उसके कुछ अलग किस्से हैं जो कि मैं कभी सेपरेटली ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि जो सिंगर्स हैं जो लता जी के गानों को अटेम्प्ट कर रही हैं, वो उन गानों को किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। ऑलराइट, तो जो लोग पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंड आई डोंट वांट यू टू मिस ऑल दिस स्टफ एंड जो भी नॉलेज आपको मिलता है म्यूजिक से रिलेटेड इस चैनल पर। और जो पहले से देखते आ रहे हैं, आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि किसने कैसा गाया। हियर वी गो। तो सबसे पहले हैं सुनिधि चौहान जी। क्या बात, क्या बात। क्या बात है, क्या बात है, तो आपने देखा कि जो गाने वाले सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ की चमक अलग ही दिखती है। एंड अबाउट सुनिधि जी, तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने चैनल पे कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो गाना जैसा है आप उसको वैसा गाने के काबिल बने, उसके बाद आप वेरिएशन करें, अपने स्टाइल में गाएं, सब कुछ चलता है। अब आप सब जानते हैं कि सुनिधि चौहान जी का जो स्टाइल है वो काफ़ी रोबस्ट है और काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, येट इस गाने को गाते टाइम उन्होंने उस गाने की छवि नहीं बिगाड़ी है। उस गाने को जिस तरीके से वो है गाना, उसको उसी तरीके से गाया है। तो ये एक सीखने वाली बात है। यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने स्टाइल में गाया, अपने
आप गाओ यार, अपने स्टाइल में भी गाओ, लेकिन उस हद तक अपना स्टाइल उसमें डालो जिससे ओरिजिनलिटी ना डिस्टर्ब हो, जैसा कि यहाँ पर सुनिधि जी ने करा है। ठीक है, तो ये सीखने वाली चीज़ है। तो जितनी भी फीमेल सिंगर्स हैं, आई थिंक लग जा गले गाना जो है ये आपकी किटी में ज़रूर होना चाहिए, गाना आपके सॉन्ग बैंक में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज ये गाना बहुत डिमांड में है और लोग इसको सुनना ज़रूर पसंद करते हैं, और ये गाना कहीं ना कहीं आपकी गायकी भी दिखाता है, और बहुत सारे लोग इस गाने से वाकिफ़ हैं तो वो आपको ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप ये गाना गाएंगे। लग जा गले के फिर ये हसी रात। अब ये छोटी छोटी जो वेरिएशन लता जी ने लिया है वो एकदम बटरी है, उसमें कोई ऐसा अलग हसी रात ऐसा कुछ नहीं है। हसी रात हो न हो, अब चाहती तो वो भी बहुत कुछ दिखा सकती थी, गमक वमक, लेकिन यही डिफरेंस है एक प्लेबैक सिंगर में और एक क्लासिकल सिंगर में, कि प्लेबैक सिंगर को अपनी खासियत पता होती है कि मुझे क्या दिखाना है और कितना दिखाना है, तभी वो एक गाना गाना रह जाएगा, वो कोई पेशकश नहीं रह जाएगी, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग इज़ मोर ऑफ शोइंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ योर वॉइस एंड अलग अलग रागों को उस तरीके से दिखाना, और कहीं ना कहीं उसमें बंदिशें होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेबैक सॉन्ग्स तो उन गानों में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रेदर यू हैव दिस फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट अगेन वी से फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास फुल पूरी छूट है कि आप कैसे भी गा सकते हो, तो वहीं पर आपकी ये चीज़ चेक होती है कि आप किस तरीके से गाते हो और कितना अपनी फ्रीडम को भी कंट्रोल करते हुए सही और सटीक गाते हो। तो ये इस तरह की जो गायकी होती है, अगर आप समझ जाते हो इस तरह की गायकी को, तो ही आप प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अगली जो सिंगर हैं वो हैं अलका याग्निक जी, अगेन एक बहुत ही अच्छी सिंगर। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। क्या बात है। तो जैसे कि एक बात मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि लता जी के गानों को जो लेवल है और लता मंगेशकर जी ने उन गानों को गा दिया है, वो इस तरीके से गा जाती थी कि सुनने में काफ़ी आसान लगता है, पर जो अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं वो भी उन गानों को कभी कभी उतना अच्छा नहीं निभा पाते जितना लता जी ने गा दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लता जी ने जो गाया है और अलका जी ने जो गाया है उसमें फ़र्क है, और डेफिनेटली अलका जी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत ज़्यादा हिट सॉन्ग्स उन्होंने दिए हैं, काफ़ी मेलोडियस उनकी आवाज़ है। हाँ, अलका जी ने भी काफ़ी अच्छा उस गाने को निभाया, एंड जिस तरह का ये गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। अभी छोटी सी जो एक वेरिएशन है, जिंदगी नहीं, अब इसी से पता चल जाता है कि कितना सटल मूवमेंट और कितना इजीली एफर्टलेसली उन्होंने किया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई शी इज अ लेजेंड। तो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं श्रेया घोषाल जी को। लग जा गले, अगेन द सेम सॉन्ग, के फिर ये हसी रात हो, क्या बात है, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो,
पहुंचा। अगेन श्रेय घोषाल जी ने भी इस गाने को काफ़ी खूबसूरती से निभाया और जो हरकतें हैं वो काफ़ी बारीकी से ली। एंड ये सीखने वाली चीज़ है कि आप जिन सिंगर्स का गाना गा रहे हैं आप उनको पहले लेवल देखिए, वो क्या सिंगर हैं, किस लेवल के सिंगर्स हैं, एंड उनके गानों को अगर आप गाएं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जिन सिंगर्स ने इन गानों को गाया है वो काफ़ी अलर्ट रहते थे अपनी मिस्टेक्स के प्रति और अपनी सिंगिंग के प्रति। इवन दे न्यू देयर स्ट्रेंथ एज वेल एज देयर वीकनेसेस। दैट इज़ द रीज़न कि कभी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए उनकी वीकनेस बाहर नहीं आती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब सिंगिंग के रास्ते पर चले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या खुद की क्या स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल श्रेय घोषाल जी ने जो अभी गाया है उन्होंने अपनी वॉइस को मेनटेन करते हुए गाया है और जो हरकतें वो ली हैं, लास्ट में कुछ अपने इनपुट्स भी दिए हैं, बट विदाउट हिंडरिंग दी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सीखिए, आगे बढ़ते हैं नेहा भसीन। पर आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि इन्होंने थोड़ा वेस्टर्नाइज करते हुए उसको गाया है। तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से उसको गाया है। यस, फील वाइज इट वॉज नाइस टू हियर, एंड डेफिनेटली जैसा लदा जी ने गाया है वैसा नहीं था। एंड वही अगेन मैं वो बात बोलूँगा कि कुछ चीज़ें अगर आप जो इम्पॉर्टेंट है गाने की अगर उनको मिस आउट कर जाते हो तो उस गाने का फिर वो बात नहीं रह जाता। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन दिस सॉन्ग। तो आगे सुनते हैं उषा उत्थप जी को। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, वाह लता जी के साउंड है। कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि चुप पड़ी हूँ ख्वाब से। तो यहाँ पर आपने देखा कि उषा उत्थप जी की डेफिनेटली वॉइस एकदम दूसरी तरफ है, लता जी की इस तरफ है तो उषा उत्थप जी की पूरी टोटली इस तरफ है। उसके बावजूद उन्होंने उस गाने को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया एंड अपने स्टाइल में गाया। एंड टू बी ऑनेस्ट, यस, गाने का जो वाइब है वो उसी तरह का है जैसा उषा उत्थप जी गाती हैं, तो ये गाना चल गया। पर अगर उषा उत्थप जी कोई और गाना गाती लता जी का तो शायद उतना मज़ा नहीं आ पाता यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा था इसमें, टू बी ऑनेस्ट
बहुत ज़्यादा कमेंट करने के लिए है नहीं, एंड लेट्स लिसन टू नेहा कक्कड़ जी. और ऑटो ट्यून भी आता है. खड़ा हो जाओ मैं अभी. कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको तो गाइस तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोन का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि विच आई एम फाइन विद. ऐसा कुछ उसमें है नहीं कि गलत हो गया कुछ बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे कि सांस की आवाज़ जो आ रही थी बीच में वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी इस गाने की कॉम्पोजिशन को, मेलोडी को. द रीज़न इज़ कि लता जी के गानों में आपको यही चीज़ सबसे कम सुनने को मिलेगी कि उनके गाने में सांस की आवाज़ आ रही हो बीच में. अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हो तो आपने सुना होगा कि उनको कहते हुए कि उन्होंने स्पेशली ये चीज़ को सीखा था कि गाते गाते सांस को कैसे चुराया जाता है बीच में, तो वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, है ना. सिंगर की क्वालिटी है, ऑल्दो आजकल का जो ट्रेंड चल चुका है इसमें सांस को दिखाने को ही बहुत अच्छा माना जाता है कि आप बहुत इमोशंस दिखा रहे हैं, बट ओल्ड स्कूल के हिसाब से ऐसा नहीं है. एंड कहीं ना कहीं वो उस तरीके से गाया ही हुआ है कि उसमें सांस दिखाने का भी वो मज़ा नहीं है, उसको दिखाना भी नहीं चाहिए. तो अगर इस चीज़ को मेंटेन करके गाया जाता ये गाना तो मुझे ज़रूर अच्छा लगता, बट थोड़ा सा मुझे लगा यहाँ पर. एंड अगेन हर बार यही होता है कि जब कुछ लिमिटेड सिंगर्स आ जाते हैं किसी कंपाइलेशन में तो उन्हीं को ही मैं अच्छा बोलता हूँ, तो आप सोचते होंगे मे बी कि ये इनको इनके फेवरेट है या एक्स वाई जेड. ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा गा ही रहा है और जो अच्छा गाता ही है. अब ये तो नहीं है कोई बंदा अगर हर क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो उसे एक बार फर्स्ट नहीं आने देंगे क्योंकि हर बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है ना. जो अच्छा गा रहा है, जो अच्छा है, उसको मैं ऑब्वियसली हर बार रैंक ऊपर ही करूँगा. तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इस कंपाइलेशन पे सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल वो बेस्ट, एंड उनको मैं दोनों को फर्स्ट पोजीशन या टाई के उसमें रखूँगा. दोनों का टाई है अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स माय ओपिनियन. अब कोई कमेंट करेगा कि तुमने उसका नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, तो भाई तुम एक वीडियो बनाओ अलग और उसमें तुम उसका नाम ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है. इस वीडियो में जो मुझे लग रहा है वो यही है. एंड उसके बाद अगर मैं रैंक करूँ तो मुझे नेहा भसीन जी, देन उषा उत्थुप एंड देन नेहा कक्कड़. वैसे उषा उत्थुप एंड नेहा कक्कड़ अगेन वहाँ पर भी एक टाई होगा क्योंकि दोनों ही उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और उषा उत्थुप जी ने जो गाने गाए हैं वो वही गा सकती हैं और उन्हीं के मुंह से वो अच्छा लगेगा, उन्हीं की आवाज़ में वो अच्छा लगेगा. तो शी इज़ अ लेजेंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. उनकी जो वॉइस टाइप है, उनका जो वे ऑफ सिंगिंग है, वेस्टर्नाइज वे ऑफ सिंगिंग, और जैज़ का भी इन्फ्लुएंस है जिसमें, तो डेफिनेटली वो इसीलिए उनको उस तरह के गाने मिलते थे जो उनके ही गले के हिसाब से बने हुए होते थे. वो कॉम्पोजिशन मिलती थी जो उनके लिए उनके गले पे जचती थी. तो यही मेरी ओपिनियन है अबाउट दिस वीडियो. आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा, आप ज़रूर नीचे लिखिएगा. और मैं क्या किसी को मिस आउट कर गया हूँ? अलका याग्निक जी, यस अलका याग्निक जी का भी अगर मैं देखूँ तो उन्होंने अगर मुझे सेकेंड और थर्ड में मैं रखूँगा इस कंपाइलेशन के हिसाब से. और या दैट्स इट. तो आपको क्या लगता है, किस ऑर्डर में आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा, आप ज़रूर कमेंट करना नीचे. और भी अगर आपको लगता है कोई सिंगर हैं जो लता जी के गाने बहुत अच्छा गाते हैं अकॉर्डिंग टू यू, उनका भी नाम मेंशन करना. और लड़ाइयाँ मत करना आपस में हर बार जो करते हो. और बस इस वीडियो के लिए इतना ही है. मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय.